नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में अंबाजी के व्यापारियों और आम जनता द्वारा मौन रैली निकाली गई। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 40 जवान शहीद हो गए, जिससे देश में हलचल मच गया और राष्ट्रप्रेमियों में गुस्सा फूटा हुआ है। देश भर में अलग अलग जगहों पर जवान शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए देश भर में लोगों द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम और रैलियां निकाली जा रही हैं। अंबाजी गांव में भी व्यापारी मंडल और आम जनता द्वारा गांव में विशाल मौन रैली मिशाल के साथ निकाली गई और अंबाजी मंदिर में यह रैली एक शोक सभा के रूप में रुकी और लोगों ने शहीदों की याद में मोमबत्ती जलाकर उनको याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस रैली में लोगों द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद और शहीद अमर रहो के नारों के साथ आतंकवाद के खिलाफ सरकार द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भारत देश आतंकवाद से मुक्त हो, ऐसी मांग लोगों द्वारा की गई। सरकार ने दस्का अंबाई में मौन व्रत रखू ने माँ अंबा ने प्रार्थना करिए जी के आर्मी भाइयों ने शक्ति आपे ने पाकिस्तान ने साफ करे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद गुस्से में डूबे पूरे शहर के मत्थे पर और शहीद सैनिकों का दर्द लोगों की आंखों में नजर आया। शहर के कारोबारी भी शोक में डूबे नजर आए। राजनीतिक दलों के साथ हर बाजार और व्यापारी संगठन ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के लिए शहर के सभी बाजारों में दोपहर तक कामकाज बंद रहा। इस दौरान हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को महाराजवाड़े से एक जुलूस भी निकाला और व्यापारी से बंद को समर्थन देने का आह्वान किया। बंद के आह्वान के चलते पुलिस प्रशासन भी चौकस रहा और शहर के कई बाजारों में सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम किए गए। लोगों में आक्रोश है। घटना को देखते हुए पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। इसको लेकर ग्वालियर बंद किया गया है। सभी का सहयोग हमें मिल रहा है। महानगर पूरा बंद है और हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं तत्काल कार्रवाई करें। पाकिस्तान को खंड खंड करने का समय आ गया है, जवाब देना पड़ेगा। हिंदू सेना के साथ में हिंदू महासभा है। शहर के तमाम व्यापारी संगठन सपोर्ट कर रहे हैं हमको, इस वजह से पूरा बाजार बंद है। तोड़फोड़ के नहीं है, उतर उतर के निवेदन कर रहे हैं, जा जाके दुकान बंद करें और हम नजर रखे हुए हैं। हरकत करेंगे तो कार्रवाई करेंगे तत्काल। शांतिपूर्वक चल रहा है अभी और यदि कोई भी हरकत करेंगे तो हम बिल्कुल सतर्क निगरानी रखे हुए हैं, इनके आगे पीछे चल रहे हैं। यदि कानून तोड़ेंगे तो विरोध कार्रवाई की जाएगी। पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में शनिवार को हिंदू सेना द्वारा बुलाए गए ग्वालियर बंद का हिंदू महासभा सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों द्वारा समर्थन किया गया और सभी संगठनों ने एक राय होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रैली निकालकर व्यापारियों से दुकान बंद रखने का आह्वान किया। बंद समर्थकों ने मांग की कि भारतीय सेना को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए और पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को नष्ट किया जाना चाहिए। हिंदू सेना के आह्वान पर ग्वालियर बंद हिंदू महासभा के समर्थन से किया गया है। दोपहर 1 बजे तक का हमारा बंद का आह्वान है और पूरा ग्वालियर बंद है क्योंकि शहीदों के प्रति सभी केंद्र चल रहे हैं, कैंप चल रहे हैं, उन पर भारत सरकार तुरंत जो है हमला करे, उन्हें नष्ट करे, जिससे पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके और आतंकवाद भारत से समाप्त किया जा सके। वहीं आतंकी हमले के विरोध में शनिवार को राजीव प्लाजा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा अपनी दुकानें बंद रखते हुए जेंद्रगंज में पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा पीठ पर छुरा चलाकर विश्वासघात करता है और उसे सबक सिखाना जरूरी है। हमने जो पुतला दहन कराया जी, हमारी राजीव प्लाजा एसोसिएशन की तरफ से है। हम सभी व्यापारी भाई इस बात से बड़े आक्रोशित हैं कि हमारे 44 जवान शहीद हो गए पुलवामा शहर में और वहां पर पाकिस्तान ने हमारे सीने पर नहीं हमारी पीठ पर वार कराए। तो हम यहां के माननीय प्रधानमंत्री से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि अब हमें दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना है, अब हमें डंके की चोट पर उनसे युद्ध लड़ना है और युद्ध करके ही हमें उन पर विजय प्राप्त करना है। जब हम धर्म के पीछे आरक्षण के पीछे लड़ाई कर सकते हैं तो ये तो हमारे देश की बात है।
वहीं हिंदू सेना के ग्वालियर बंद का ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ द्वारा भी समर्थन करते हुए मेला परिसर में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद के चलते मेले में दोपहर बाद तक ना तो झूला सेक्टर में झूले चले और ना ही शोरूमों को ग्राहकों के लिए खोला गया। ग्वालियर के जीवाजी क्लब परिसर में उस समय हंगामा हो गया जब फेरों के बाद सुबह मंडप में और अधिक दहेज मांगने पर वधू पक्ष नाराज हो गया और उन्होंने लड़की विदा करने से इनकार करते हुए पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वर पक्ष के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जीवाजी क्लब में आयोजित विवाह समारोह के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब लड़के और उसके पिता ने दहेज मांगना शुरू कर दिया। बार बार दहेज की मांग किए जाने पर लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया और उसके पिता ने भी विदा से इनकार कर दिया। बताया गया है कि यहां फालका बाजार निवासी प्रतीक अग्रवाल पुत्र सुरेश अग्रवाल की दतिया निवासी शिवांगी पुत्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल से देर रात विवाह सम्पन्न हुआ था, जिसके बाद विदा के समय यह हंगामा खड़ा हो गया। इन्होंने पहले की डिमांड थी, मैंने कहा पूर्ति करते रहे इनकी, तो चलो भाई मेरी अकेला लास्ट बेटी है मेरी, कैसे चार बेटियां मेरा बेटी। क्या हमारा डिमांड कर रहे थे थोड़े बात की नहीं, इसके पैसे तो आपको देना पड़ेंगे, ये तो सगाई मिल जाए चैन अंगूठी तो आप ही की रहेगी, जैसी भगवान। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने उसको भी मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद भी रात में जब फेरों के टाइम पे इन्होंने कहा कि जो आपने 1,00,000 रुपये कम दिया, मैंने कहा ये मैंने किसी भी बेटियों को उसको कब पैसा कम नहीं देती, हमने आप ज़्यादा ही दिया, आप देख लेना, मैंने किसी को कोई कब पैसा नहीं कम नहीं दे दिया। तो इन्होंने कहा सुबह सुबह बोले ठीक है 5 बजे आपको पता चल जाएगा, 5 बजे तक आपको पता चल जाएगा। 5 बजे तो एक दो बेटी लोग भाग गए, फिर उन्होंने हमने कहा भाई बेटी तैयार, हम विदाई के लिए बैठे हैं, आप बताओ क्या करना है, आप विदाई के लिए नहीं आ रहे क्या कोई, या एक भी व्यक्ति सदस्य का नहीं रहा। तो इन्होंने हमारे भाई से बोला कि आप पहले उसको पेटी दिखा दीजिए, आपने क्या क्या सामान दिया है। वहीं वधू शिवांगी का कहना है कि उसके पापा मम्मी को बीपी की शिकायत है और इसके बावजूद उन्होंने वर पक्ष को 5,00,000 रुपये पहले ही सौंप दिए थे, जिसके लिए वर पक्ष ने आश्वासन दिया था कि वे इन रुपयों से लड़की के लिए गृहस्थी का सामान जुटाएंगे, लेकिन अभी कोई सामान नहीं खरीदा गया है। लेकिन उनके पिता ने दहेज एवं अन्य मांगलिक कार्यों पर 12 से 15 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं। पापा को बीपी की समस्या है, मम्मी को डायबिटीज अभी पे, तो उनको बहुत टेंशन नहीं हो जाए, अब शादी पक्की हुई है तो होने वाली है तो कुछ अब सही हो जाएगा। अभी 10-15 दिन पहले भी उन्होंने ऐसे रूम को लेके भी हुआ था, उन्होंने पैसे ले लिए इतने, और उन्होंने घर पर किसी की शादी होती है, कभी गरीबों की भी शादी होती है, उनके घर में रूम जरूर सस्ता है, कम से कम पलंग अलमारी ड्रेसिंग पेंट से सब कुछ तो होता ही है, लेकिन उनके यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और जब मैंने बोला कि रूम वगैरह कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, जब तुम आ जाओगी तब उसके बाद हो जाएगा। तो मैंने उन्होंने पापा से अभी 5,00,000 रुपये तो कैश ले ही चुके हैं, प्लस पापा के और भी जो एक्स्ट्रा उन्होंने 2,00,000 रुपये हमारे, उन्होंने कहा था कि गोल्ड वगैरह देना, लेकिन वो हमारा 3,00,000 का वो हो गया है गोल्ड, और मेरी ये जेल मतलब ये कपड़े वगैरह ये सब एक्स्ट्रा जितना भी खर्चा, और आज भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी पापा ने कहा मतलब लगभग पूरा टोटल मिला के 15,00,000 रुपये खर्चा हो गया होगा जीवाजी क्लब की बुकिंग के पैसे। और फिर अब पापा ने आज बात हो गई रात भर से यही। शिवांगी का कहना है कि समाज की अन्य युवतियों को प्रेरणा देने और दहेज लोभियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से उसने दहेज लोभी युवक के साथ नहीं जाने का निर्णय लिया है, जिससे आगे से किसी बच्ची या उसके परिजनों को ऐसे लोगों द्वारा सताया ना जाए। नहीं मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसी डिमांड, मैंने सिर्फ ये सोच के किया था कि मेरे मम्मी पापा के लिए, हमारा कोई भाई नहीं है चाचा वगैरह के हैं, तो कि मैं पास में ही रहूं दतिया ग्वालियर झांसी यहीं मेरी शादी हूँ, मैं दूर नहीं करना चाहता। और ग्वालियर में मेरी क्या दीदी है जो मतलब उन्हें थोड़ा कान से थोड़ा कम सुनाई देता है, तो मुझे लगता था कि मैं उनके पास ही सिटी में रहूँ, और मुझे
पैसों लेके मुझे पैसों को लेके इतना कुछ था नहीं, क्योंकि मैं खुद में अपने आप में इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे पैसों की ऐसी जरूरत, मैं खुद से कमा सकती हूँ। बट मैं और लोगों के लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ, लड़कियों के लिए, कि कभी वो डरे नहीं कि मेरी शादी पक्की होगी तो मैं आज वो ये कर रहे हैं, कल जाके वो फिर कुछ डिमांड करेंगे। अभी भी वो कह रहे थे कि हमें कार चाहिए बाद में शादी के बाद, और तुम जब जॉब करके आओगी तुम पैसे दोगी तो तुम मेरी मम्मी को दोगे। और उन्होंने कहा कि अभी भी तो तुम्हारी सैलरी आती होगी, वो तुम मुझे दे देना। तो मैंने कहा मेरी सैलरी तो खर्च हो गई शादी में, बोले ऐसे कैसे खर्च हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और वर पक्ष से दूल्हे एवं उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में क्रीड़ा भारती मध्य भारत संघ द्वारा आगामी 19 फरवरी को शहर में पावन खीण द्वारा आयोजित किया जाएगा। आयोजन में शहर के 40 विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के बच्चे और युवाओं द्वारा हिस्सेदारी की जाएगी। ये दौड़ थीम रोड स्थित फ्लैग फ्लाइट से शुरू होकर शिवाजी उद्यान सिटी सेंटर पर समाप्त होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर विवेक नारायण सेजवलकर द्वारा की जाएगी। ये पावन खिंड दौड़ के नाम से है, शिवाजी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित है। 19 फरवरी को शहर दौड़ रहा है। इसमें वो मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि इस नाम को विद्यालयीन बच्चों के बीच में, युवाओं के क्षेत्रों के बीच में, कई लोगों के बीच में ये नाम पहुँचे शिवाजी महाराज का। और चूँकि उस दौर में जो एक शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ और पनालगढ़ के बीच की जो किले को किस प्रकार से बचाते हुए, अपने आप को बचाते हुए वो दौड़ को दौड़ा था और पूरी रात वो उस यात्रा को सब पूरा करके हुए जो आदिल शाह की सेना था उसको पराजित किया था, तो वो समाज में मैसेज पहुंचे, इस नाते ये कार्यक्रम आयोजित क्रीड़ा भारती की ओर से किया गया है। ये पूरे देश भर में, इससे पहले कानपुर में एक कार्यक्रम हुआ है, लेकिन बाकी का अभी दूसरा ये कार्यक्रम अपने मध्य प्रदेश में पहला कार्यक्रम इस प्रकार का है। 40 विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र इसमें सहभागिता कर रहे हैं, लगभग 5000 संख्या रहेगी ऐसी उम्मीद है। जैन युवा संगठन ग्रेटर की ग्वालियर इकाई के तत्वाधान में 19 फरवरी को ग्वालियर में जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम परिसर में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में जैन समाज की अलग अलग क्षेत्र के युवाओं की टीमों द्वारा शिरकत की जाएगी। साथ ही दर्शकों के लिए आकर्षित पुरस्कार भी रखे गए हैं। शनिवार को जैन छात्रावास परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था सदस्यों ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता एवं उप विजेता टीम को संस्थान द्वारा पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। ये जैन युवा संगठन ग्रेटर ग्वालियर द्वारा ये एक दिवसीय क्रिकेट मैच का जैन समाज का आयोजन किया जा रहा है। जैन समाज की क्रिकेट लीग है ये, जिसमें पूरे ग्वालियर शहर से जैन समाज की 8 टीमें बनाई गई हैं। इन 8 टीमों के मध्य ये पूरा क्रिकेट इवेंट कराया जा रहा है। इसमें एक मैत्री मैच महिलाओं के बीच भी किया जा रहा है, 2 टीम महिलाओं की भी बनाई गई है। इसमें टोटल आठ टीमें बनाई गई हैं। 8 टीमों के 8 ओनर बनाए हैं जो आपके मध्य हैं। सभी 8 टीमों को 8 नाम दिए गए हैं, जैसे शुभम सनराइजर, एवनेजर, चैलेंजर्स, सनमति किंग्स 11, जीडी गोविंद का डायनामाइट्स, छोटी वाला डेयरडेविल्स, केपीएस वॉरियर, सोशल ग्रुप ग्रेटर रॉयल्स, बीसन्स थंडर्स। तो इन सभी टीमों के 8 ओनर हमने बनाए हैं। 8 ओनर हमारी समाज से ही हैं सभी, जो हमारे सहयोगी हैं इस टूर्नामेंट के। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को हम खेल के प्रति जागरूक करना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई और व्यापार के साथ साथ थोड़ा समय स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य सुधार के लिए खेल में भी दिया जाए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की और। फिर से राज्य सरकार ने ग्वालियर नगर निगम में हुई गड़बड़ी के लिए महापौर विवेक सेजवलकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छिंदवाड़ा महापौर की तरह वे कोर्ट में ना चले जाएं, इसलिए शासन ने कैबिनेट भी लगाई है। ग्वालियर निगम आयुक्त को भी नोटिस जारी हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 21 दिसंबर को ग्वालियर, रीवा और छिंदवाड़ा नगर निगमों की जांच के आदेश दिए थे। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की 3 टीमों ने अलग अलग निगमों की जांच की। जांच में तीनों नगर निगमों ने लाखों के घोटाले और अनियमितताएँ उजागर हुई हैं। अधिकतर मामलों में इन गड़बड़ियों के लिए महापौर और आयुक्त को जिम्मेदार बताया गया है।
देखिए, मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन में लगातार नगर निगमों की शिकायतें जा रही थीं। इसमें विनियमितीकरण वाला मामला हो, आर्थिक सहायता वाला मामला हो, परिषद लगातार न बुलाने का मामला हो, नीतिगत निर्णय हो, मध्य प्रदेश शासन 1956 में वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। उन्हीं वित्तीय अधिकारों के तहत नगर निगम MIC हो चाहे परिषद हो, सबको या आयुक्त हो, सबको कार्य करना है। परंतु यहाँ नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसकी शिकायतें जब नगरीय प्रशासन को दी गई तो उसको संज्ञान लेकर उसमें लगा कि ये गंभीर आरोप हैं। उसके तहत रीवा, ग्वालियर और छिंदवाड़ा के महापौर आयुक्त को नोटिस जारी किए गए हैं। उन नोटिसों पर ये लोग जवाब देंगे और जवाब के तहत इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक सहायता वाला मामला है, इसमें परिषद का पूर्व अनुमोदन आवश्यक था। ये अकेले ही आर्थिक सहायता अपने अपने लोगों को बांटते रहे, ऐसा ही परिषद का है। 2 माह में एक बार परिषद बुलाना आवश्यक थी, उन्होंने परिषद नहीं बुलाई। ऐसे कई नीतिगत निर्णय हैं जो इनको करना चाहिए था। इसकी विधिवत जाँच होगी, जाँच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। महापौर विवेक सेजवलकर का कहना है कि ये नोटिस पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। निगम द्वारा स्थायी कर्मचारियों आर्थिक सहायता और लीज पर देने जैसे कार्य पूरी तरह नियमों का पालन कर पूरे किए गए हैं। देखिए, शुरू में ये सभी लोग कहा करते थे कि राजनीति से उठ करके काम करेंगे, प्रदेश के विकास के लिए करेंगे, लोगों को रोजगार देने के लिए करेंगे, पर ये जो इन्होंने अभी कार्रवाई की है, नोटिस दिए हैं तीनों नगर निगमों को, छिंदवाड़ा, रीवा और ग्वालियर। ऐसा लगता है कि ये दुर्भावना की कार्रवाई है, राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर एक तरह से जो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए लोग हैं उनके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई करना, नोटिसबाजी करना मेरे राय में तो उचित नहीं है। और यही कारण है कि छिंदवाड़ा का जो नोटिस दिया था उसको हाईकोर्ट ने क्वेश कर दिया है, और क्वेश ही नहीं किया है, एक तरह से फटकार भी लगाई है कि ये नोटिस से प्रतीत होता है कि आप ये पहले ही तय कर चुके हो कि कार्रवाई होनी है और उसके बाद ये जांच वगैरह आदि का नाटक आपने किया है। मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं है। नोटिस मुझे भी मिला है, ग्वालियर नगर निगम को मिला है, उसका जवाब हम देंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। सर, क्या नोटिस में क्या कहा गया, कौन सा हवाला दिया है, कौन कौन से मामले हैं इसमें? ये जो स्थायीकरण मध्य प्रदेश सरकार ने किया था एक उस संबंध में है, एक वो सहायता वाला प्रकरण आर्थिक सहायता वाले हैं और एक शायद किसी को लीज पर देने का प्रकरण है, ऐसा मेरी जानकारी में है। देखिए, नगर निगम में जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है, आयुक्त महोदय प्रस्ताव बनाते हैं, उस पर MIC विचार करती है, निर्णय लेती है और फिर परिषद जिन योजनाओं को परिषद की स्वीकृति होने की ज़रूरत होती है वो परिषद स्वीकृति लेते हैं। ये जो तीनों ही बातें इन्होंने नोटिस में दिए हैं, तीनों ही बातों में पूरी प्रक्रिया अपनाई जाकर आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर MIC ने विचार कर निर्णय कर और फिर परिषद ने उसको निर्णय कराया है। मैं नहीं मानता कि इसमें जरा भी किसी भी तरीके अनियमितता हुई है। गौरतलब है कि तीनों नगर निगम में भाजपा के महापौर हैं। महापौर को जो नोटिस दिया गया है उसके तहत उनसे निगम को हुई आर्थिक क्षति की वसूली हो सकती है और उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। पुलवामा में CRPF काफिले पर हुए आतंकी हमले में देश के वीर सैनिकों के शहीद होने पर पूरे देश के साथ ग्वालियर में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है और 2 दिन से लगातार शहर में धरना प्रदर्शन और मौन धरना देकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। शनिवार को कांग्रेस सेवा दल द्वारा भी फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर देश के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 घंटे तक मौन धरना दिया गया। हमारे देश के जो शहीद हुए RPF के जवान, उनके उपलक्ष्य में हमारे सेवा दल ने 2 से 3 बजे तक मौन धरना दिया और हम सेवा दल के सभी लोग ये निवेदन करते हैं कि जो 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो साहस दिखाया था, आज हमारे यही प्रधानमंत्री को यही साहस दिखा के एक कार को बीड़ा उठाना चाहिए। इसके लिए हमारा सेवा दल
परिवार पूरा इसके लिए निवेदन करता है कि हमारे आरपीएफ जवानों के परिवार के लोगों को, सभी को परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए, यह हमारे सेवा। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी एवं ग्राम रोजगार संघ की संयुक्त बैठक शनिवार को फूलबाग स्थित उद्यान में आयोजित की गई। बैठक में संघ पदाधिकारियों ने मांग की कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए जो कि 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं, एवं जिन संविदा कर्मचारियों को अकारण निकाला गया है उन्हें काम पर वापस लिया जाए। इस सिलसिले में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल 19 फरवरी को सीएम कमलनाथ से मिलेगा। ये सभी संविदा साथियों का 19 तारीख को 19 फरवरी को सहजनी पार्क भोपाल में एक गुहार कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्व में जैसा वचन दिया गया था और अपने वचन पत्र में शामिल किया गया था कि वो सभी संविदा साथियों को, चाहे वो किसी भी योजना विभाग या किसी भी स्तर के ग्राम पंचायत, जिला या जनपद स्तर के होंगे, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक भाई हैं, इसके अलावा विभिन्न विभागों के जिला और जनपद स्तर पर कार्यरत कर्मचारी अमला है, उसको सरकार बनते ही 3 माह के अंदर वो नियमित करेंगे। 2 माह व्यतीत होने के बाद भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की तरफ से नियमितीकरण की कोई घोषणा या आदेश नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने यह तय किया है कि 19 फरवरी को हम सभी गुहार कार्यक्रम के रूप में भोपाल एकत्रित होंगे। संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में डबरा शहर में बहुजन यूथ फ्रंट की जिला यूनिट और भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा संत रविदास को श्रद्धांजलि देते हुए नगर भर में चल समारोह निकाला गया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने चौक चौबंद इंतजाम भी किए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। फिर से किसानों की विभिन्न समस्याओं, फूटी कॉलोनी के निवासियों के पुनर्वास और स्थायी पट्टों की मांग को लेकर किसान महापंचायत द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को भी किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान किसान महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी राजपाल शर्मा यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और मौके पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। कॉलोनी के ब्यासी आदमियों के खिलाफ करते हैं और साथ साथ मकान तोड़ दिए, बेघर कर दिया इन गरीबों को। ये अन्याय किया गया है, इसे भारतीय किसान यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी आज तो खैर हमारे 42 आदमी शहीद हो गए, शहीद दिवस में आ रहा है, हिंदुस्तान पूरा दुर्भाग्य रहा। भविष्य में यहाँ आएंगे और इनके जो आज बेघर किया गया है इन परिवारों को घर बसाए जाएंगे और मजबूर कर देंगे यहाँ के प्रशासन को कि वो इनकी व्यवस्था करें। आज महापंचायत थी, महापंचायत के उद्देश्य तो आए, लेकिन शोक दिवस में बदल गई ना। आज पूरे राष्ट्र में शोक है, जो हमारे शहीद हो गए किसान के बेटे, वो दुख है, वो खेद है। तो इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और पंचायत दोबारा रखी जाएगी और हम मैदान में रहेंगे और आर पार की लड़ाई लड़के इन्हें घर बसा कर जवैया से लौटेंगे। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में पूर्व छात्रों की 2 दिवसीय एल्यूमिनी मीट एवं फल फूल साग सब्जी की प्रदर्शनी शनिवार से कृषि महाविद्यालय में प्रारंभ हो गई। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक मुन्नालाल गोयल एवं कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के राव के आतिथ्य में हुआ। 16 से 17 फरवरी तक 2 दिवसीय इस एल्यूमिनी मीट में कृषि विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर चुके महाविद्यालयों के पूर्व छात्र छात्राएं भाग लेने यहां पहुंचे हैं, जो वही फल फूल प्रदर्शनी में किसान उद्यमी से लेकर उनके स्थानीय प्रतिभागी भी भाग लेंगे।
इस देश को दिया है। ये छोटमाया है देश के तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, या देश के तमाम सारे मोर्चे हो, उन मोर्चों पर इस किसी में अपना प्रभाव ने देश का नाम रोशन किया है। और आज खुशी का क्षण है कि कम से कम 3 पीढ़ियों का संगम हो रहा है। रिटायर्ड स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट को पढ़ाया, प्रोफेसर भी यहाँ है और वो प्रोफेसर भी है जो आज पढ़ा रहे हैं लगातार स्टूडेंट को, तो 3 पीढ़ियों का संगम आज यहाँ है, ये बहुत गर्व की बात है। निश्चित तौर पर आम लोगों के जान माल की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस अपने ही विभाग के कर्मचारी के साथ हुई वारदात को हल्के ढंग से ले रही है। 10 दिन पहले रायपुर रेलवे स्टेशन पर हुई वारदात में पुलिस ने संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल मुरैना के वायरलेस विभाग में पदस्थ ग्वालियर के रहने वाले महेंद्र दुबे के साथ 6 फरवरी दोपहर को उस समय ठगी की वारदात पेश आई थी जब वे रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने की तैयारी में ट्रेन के गेट के पास खड़े थे। कुछ लोगों ने उन्हें अपनी बातों में लगाया जबकि एक बदमाश ने उनका बैग काटकर करीब 8.5 लाख रुपए कीमत के जेवर गायब कर दिए। होटल पहुंचते ही पुलिसकर्मी को अपने साथ हुई वारदात का पता लगा तो वह तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचे और जीआरपी पुलिस से संपर्क किया। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बैठे रहने के बाद बमुश्किल उनकी FIR दर्ज हो सकी। खास बात यह है कि 8.5 लाख रुपए का जेवर जाने के बावजूद जीआरपी रायपुर ने सिर्फ 2,20,000 की ठगी और चोरी दर्ज की है। पीड़ित पुलिसकर्मी का कहना है कि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज में 4 संदिग्ध युवकों को पहचाना है जो ट्रेन से उतरते समय उनके आसपास मौजूद थे, लेकिन जीआरपी ने 10 दिनों के भीतर 1 भी संदिग्ध को पकड़ नहीं पाया है। मैं अपनी वाइफ के साथ में रायपुर जा रहा था और रायपुर स्टेशन पे जब उतरते समय कुछ 3-4 लोगों ने मेरे बैग से बैग को काट के उसमें से 8.5 लाख का सोने का ज्वेलरी चोरी कर ली और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में हमने पहचान भी कर ली और पुलिस को बताया। पुलिस ने जो है दिन भर हमको बिठाले रखा, शाम को बड़ी मुश्किल से उन्होंने FIR की और जो है आज दिनांक तक 6 तारीख से अभी तक कोई मतलब उसमें प्रोग्रेस नहीं मिली। इससे वहाँ के स्थानीय SP से भी मिला, मैं जो SP GRP से मिला, उन्होंने भी मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और मेरा जो है 8.5 लाख का सामान और मात्र 2,20,000 रुपये का उन्होंने लिखा FIR में, जबकि वो भी हम पे एहसान करके लिखा। और अब हमें दीजिए इजाज़त।